ओके, तो प्राइम डे अनबॉक्सिंग्स में इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग हुई, नार्जो 30 Pro 5G। लेकिन उस दिन थोड़े जल्दी में थे तो, और फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाइक प्लान के चक्कर में, स्मार्ट अपग्रेड प्लान के चक्कर में वो अधूरी रह गई अनबॉक्सिंग। तो मैंने सोचा बस फीचर्स क्या बताने, कुछ और भी एक्स्ट्रा करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल मिड रेंज सेगमेंट में है वो है एड्स की। तो इस वीडियो में आगे देखते जाओ बताते हैं कि एड्स आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, और वो सेटअप के टाइम से ही करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो बाद में रियलमी के ऑफिशियल्स में बस एक ही नोट है कि एडिशनल सेटिंग में जाके ये कर दो और एक बस ऑफ कर दो तो ऐड कम हो जाएंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग से ही करना बहुत ज़रूरी है, और ये रियलमी UI जिसमें भी होगा सबके लिए सेम प्रोसीजर है, ठीक है? तो ये वैसा रखते हैं, ठीक है? तो मान लो कि थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ऐसे ऐसे अनबॉक्सिंग हो गई, ऐसे फ़ोन आ गया, और हाँ मैंने कवर में रखा है क्योंकि क्योंकि बजट, ठीक है, स्क्रैच लग जाएगा तो दिल सह नहीं पाएगा। तो इस तरफ पावर बटन है राइट साइड में, और फिंगरप्रिंट स्कैनर इंबेडेड है, ठीक है? इस तरफ वॉल्यूम बटन है, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा नीचे है तो ये अच्छा लगता है। ये यहाँ ऊपर सिम स्लॉट है, हाइब्रिड है, ठीक है? यानी एक सिम और एक मेमोरी कार्ड आप बस लगा सकते हो, या दो सिम, ठीक है? ट्रिपल स्लॉट नहीं है। रियलमी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए लोग फिर ज़्यादा पैसे देंगे, है ना? ये 15499 का है, और इसका सीधे हायर वेरिएंट सीधे 17999 हो जाता है, 828, ये 664 है। पीछे ट्रिपल कैमरा, वही 48 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो। डेप्थ हटा दिया, फर्क भी नहीं पड़ता, होता भी तो। और यहाँ फ्लैश, ठीक। ये एक चीज़ अच्छी है कि USB-C चार्जिंग पोर्ट पर कवर में भी फ्लैप है। वैसे कितने देर रहता है कितने देर नहीं, वो तो चार्जिंग के उससे पता चल जाएगा। ये स्पीकर, सिंगल स्पीकर है, रेडमी नोट 10 वगैरह के बाद डुअल स्पीकर आने लगे। वैसे उसका भी कुछ खास नहीं है लेकिन है, ठीक है। हेडफोन जैक है, इम्पोर्टेंट, और माइक है, सेकेंडरी माइक है। जादू बीच में रियलमी ने हटाना शुरू किया था, सबसे बजट और ऐसे सीरीज से हटा भी दिया है, ठीक है? तो अब आप पहली बार फ़ोन ऑन करेंगे तो ये आएगी सेटअप स्क्रीन। हाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है कैमरे में, अच्छे से पता नहीं दिखेगा या नहीं, लेकिन ब्राइटनेस कम नहीं कर सकते स्टेज पे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। सुनते जाओ ना, वो कर लेना अपने फ़ोन पे। और जो लोग अब हिंदी लैंग्वेज नहीं समझते और गलती से क्लिक करके और यहाँ तक आ गए टाइटल में नो एड्स पढ़ के या जो भी, तो वो फॉलो कर लें। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन नहीं दिखा, तो जिसको नहीं पता हो, तो अभी तक ब्रिटिशर्स की इंग्लिश यूज़ हो रही है इंडिया में ऑफिशियली, ठीक है? तो वो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, हम लोग को अपना इंग्लिश बनाना चाहिए, नहीं इंडियन इंग्लिश, कितना मज़ा आएगा। वैसे इंग्लिश ही इंडियन इंग्लिश है, लेकिन खैर बाद में, ठीक है? फिर नेक्स्ट कर देना, फिर सेलेक्ट रीजन, इसमें इंडिया है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो गया है। कितना आज़ाद हुआ पता नहीं, लेकिन आज़ाद हो गया, आज़ाद ब्रिटिश रूल से हो गया। नेक्स्ट, ये देख लो, ये टर्म ऑफ सर्विस स्क्रीन जो आएगी ना, ये सीधे लास्ट में आए हैं, रेड एंड एग्रीड करोगे, ये गलती हो जाती है, कभी मत करना। क्योंकि ये देखो आप एक क्लिक कर रहे हो लेकिन ये ऊपर वाले दोनों तक क्लिक हो जा रहे हैं, सेलेक्ट हो जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑप्शनल है। आपको बस ये जो कंपल्सरी, और ये देखो ग्रेड आउट हो जाता है, तो आप एक कंपलसरी वाला तो आपको टिक करना है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है? फिर यहाँ से नेक्स्ट कर, फिर ये कनेक्ट टू वाईफाई वाली स्क्रीन आ गई। अब इसमें अगर आपका वाईफाई शो हो रहा है तो आप कनेक्ट कर लेना, नहीं तो यहाँ लास्ट में मैनुअली ऐड नेटवर्क करके भी अगर आपका वाईफाई हिडन है तो वहाँ से ऐड कर सकते हो। एक और अच्छी चीज़, अगर आपका नाम सेम है 2.4 और 5 GHz नेटवर्क का, तो यहाँ पे एक मार्कर आ जाता है नेम के साइड में, 5G लिखा हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा 5 GHz है। तो मैं जल्दी से अब पासवर्ड डाल के
कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर आगे की प्रोसेस देखता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डाल के यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। ये आप बिना किए भी जा सकते हैं, लेकिन फिर सेटिंग्स में फिर आपको करना ही पड़ेगा स्टेप्स। तो ये नॉर्मल स्टेप्स हैं, अगर आप वाईफाई या से कनेक्ट करेंगे तो बेटर रहता है वो। अच्छा, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होता है। वाईफाई असिस्टेंट ये ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन रखने का मन है तो फिर वो सेटिंग्स में भी ऑन हो सकता है। ठीक है, अगर आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं करते तो ये चेकिंग फॉर अपडेट्स वाली स्क्रीन नहीं आती, वो डायरेक्टली गूगल के टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे चला जाता उस पेज पे। लेकिन क्योंकि हम लोग वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो अभी ये चेकिंग फॉर अपडेट्स वाली स्क्रीन पे। ठीक है, तो मुझे ये न्यू फ़ोन की तरह सेटअप करना है तो मैं कॉपी नहीं करूँगा। अगर आपको ओल्ड फ़ोन से कॉपी करना है तो आप यहाँ नेक्स्ट करके स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा, एंड्रॉयड फ़ोन से बैकअप करना है या सीधे क्लाउड से या आईफोन डिवाइस से। क्लाउड हमेशा बेटर रहता है, लेकिन तीनों ऑप्शन काम करता है। तो आईफोन से देखने का तो कम चाहते हैं कि आईफोन से कौन ही आएगा ना तो 30 प्रो पे, जब तक कि 5G एक्सपीरियंस नहीं करना हो, या अगर आईफोन SE हो किसी के पास ओल्ड वर्जन। ये स्टेप्स आते जाएंगे, स्टेप फॉलो कर लेना। मुझे तो कॉपी नहीं करना है, मुझे एड्स मेन बताने की कैसे हटना है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, रूट कॉपी पे सेलेक्ट कर दूंगा तो न्यू फोन की तरह सेटअप होने के लिए रेडी हो जाएगा। ब्लूटूथ ऑन हो गया तो ब्लूटूथ से भी कुछ फाइल्स वगैरह ट्रांसफर होंगे तो थोड़ा स्लो होगा, इसलिए मैंने बोला कि हमेशा क्लाउड बेटर रहता है। ये सब अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस बता रहे हैं कि अगर आप अकाउंट सेटअप नहीं करोगे तो ये सब कुछ ऑन नहीं होगा अभी। ठीक है, इसमें क्या ही ऑन होना है कि आपका बैकअप ऑन नहीं होगा या प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप ये नहीं कर पाओगे, तो वो सब बाद में होगा। अभी हम लोग का मेन इशू है एड्स। ठीक है, तो ये भी हम लोग स्किप कर देते हैं। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है, ये सारा जो ऑप्शन टर्न ऑन आता है ये कुछ कंपलसरी नहीं होता, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ये सब कुछ ऑफ कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सब ऑफ हो गया, फिर भी एक्सेप्ट का बटन है, ग्रेड आउट नहीं हुआ फिर भी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो सब कोई फॉर ग्रांटेड लेता है, लेकिन इम्पोर्टेंट। तो फिर स्किप कर देंगे, फिर स्किप करेंगे। सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड, ये भी लेटर कर देता है या ये करके बता दें। अच्छा, करके बता दें। ये देख, ये अच्छी बात है, ये बता रहा है कि पासवर्ड बहुत कॉमन है, 0000 यूज इट एनी वे, तो री एंटर कर सकते हैं या यूज कर लेते हैं अभी के लिए। फेस आईडी का आ गया, स्किप कर लेते हैं अभी के लिए। फिंगरप्रिंट एक बार चेक कर लेते हैं, तो अगर आप राइट हैंड में यूज़ करेंगे तो बिल्कुल थंब के पास आता है। ठीक है, अगर आप लेफ्टी हैं तो
आपका इंडेक्स फिंगर एकदम परफेक्ट जगह पे आएगा। इसको हर तरफ से टच कर लो, ठीक है, अच्छे से, जब तक ये पूरा ब्लू नहीं हो जाता, ताकि रीडेबिलिटी बेटर हो। ये एक फंक्शन ये भी ऑफ करना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपडेट्स ओवरनाइट। अब कभी कभी क्या होता है, न्यू अपडेट आता है उसमें प्रॉब्लम होती है, अगर आपका ये ऑन रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा और फोन अपने आप अपडेट हो जाएगा। यूट्यूब पर हमेशा आते रहते हैं और MIUI के साथ तो ज़रूर, Realme UI में थोड़ा कम है, तो इसको भी हम लोग ऑफ कर देंगे अभी। ये आइकन्स हैं डिफॉल्ट, आप चेंज भी कर सकते हैं। कस्टम करने से फिर वो कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो डिफॉल्ट ही रहने देंगे अभी के लिए, ठीक है। इनका रियलमी का खुद का इंपोर्ट डाटा है, ज़रूरी है तो करो, नहीं ज़रूरी मत करो। हम लोग क्या मेन है एड्स, हम लोग इसको वेलकम आ गया Realme UI का। साइलेंट करो पहले भाई, तो ये आ गया। फोन तो ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है, लेकिन जल्दी से चलते हैं एड्स पे। पहले ये एक बार दिखा देते कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, काम की चीज़। फेसबुक भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, गूगल पे बहुत लोग यूज़ करते हैं, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन ये रियलमी पैसा सोलो, WPS ऑफिस भी यूज़ का है, सही है। मतलब मुश्किल से चार पांच ऐप भी बेकार है, चार मुश्किल से, ठीक है, हेयर फोन गेम, ये चार पांच ऐप बेकार। सेटिंग्स अब ऑफिशियली क्या दिया है, ऑफिशियली बस दिया है कि ये एडिशनल सेटिंग्स में आओ, यहाँ पे गेटिंग रिकमेंडेशंस पे आओ और इसको ऑफ कर दो, बस ऑफिशियली यही एक स्टेप दिया, लेकिन बहुत कुछ है अभी क्या करना है। सेटिंग्स में आ गया, या तो एड्स सर्च करके देखते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीका है कि एड्स अगर आप सर्च कर लेंगे तो ये सीधे आ जाएगा, डिवाइस आईडी एंड एड्स, ठीक है। लिमिट एड ट्रैकिंग ये ऑन करना है। लिमिट एड ट्रैकिंग मतलब एड्स कैसे शो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप यूट्यूब पे जो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, या फ्लिपकार्ट पे जो चीज़ देख रहे हैं, या अमेजोन पे, तो उसी के आपको फिर फेसबुक वगैरह पे भी, या कहीं इंस्टाग्राम कहीं भी आपको, या किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, वही एड्स आते हैं। वो कैसे आते हैं, क्योंकि उन कंपनी को पता चलता रहता है कि आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। वही है इसमें भी कि अगर आप ये लिमिट एड ट्रैकिंग कर देंगे तो आपको कुछ एड्स तो दिखाएगा, लेकिन आप क्या देख रहे हैं वो चोरी करके फिर उसका यूज़ करके ऐप को एड्स नहीं दिखाएगा, कुछ भी रैंडम एड्स दिखाएगा, ठीक है। तो ये ऑन हो गया, ये कहाँ पे था, प्राइवेसी में, ठीक है, डिवाइस आईडी एंड एड्स। अब हम लोग जाएंगे
ये सारा एड्स था, ठीक है कैंसिल कर दो। अबे प्राइवेसी, ठीक है प्राइवेसी में चलता। ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हम लोग को जाना है प्राइवेसी के बाद एडवांस्ड में, और फिर यहाँ एड्स है, देख रहे हैं कितना छुपा छुपा के रखा हुआ। ऑप्ट आउट ऑफ एड पर्सनलाइजेशन, इसको भी ऑन करना। देखो यहाँ बता रहे हैं, यू विल स्टिल सी एड्स बट दे मे नॉट बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। ठीक है बिल्कुल, रैंडम एड ही दिखाओगी, हम लोग का इंटरेस्ट पब्लिक लायक नहीं है, पब्लिक स्पेस लायक। तो ये सेटिंग्स करना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड है वो किया हमने, एडिशनल सेटिंग्स में गए। गेट रिकमेंडेशंस में गए, गेट रिकमेंडेशंस ऑफ कर दिया, ठीक है। फिर प्राइवेसी में गए, एडवांस में गए, एड्स में गए, ऑप्ट आउट ऑफ एड्स पर्सनलाइजेशन ऑन कर दिया। फिर सिक्योरिटी में गए, डिवाइस आईडी एंड एड्स में गए, लिमिटेड ट्रैकिंग ऑन कर दी, हो गया। एड्स बहुत कम हो जाएंगे, तो ये तो हो गई बात, और तो कुछ रहा नहीं, ठीक है। 10 मिनट से आके वीडियो भी हो गई, और अबाउट फोन एक बार देख लो, Narzo 30 Pro 5G ये देख लो, बुरी बात क्या है इसमें। Realme UI 1.0 Android 10 पे बेस्ड है, ठीक है। 6 GB RAM, 800U प्रोसेसर, और 64 में से 50 GB मिलती है अवेलेबल, ठीक है। चलो फिर और भी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, प्राइम डे अनबॉक्सिंग्स, ठीक है उसके लिए वेट। और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसकी यूट्यूब पे शायद ही किसी नॉर्मल यूज़र ने डाली है वीडियो, सिर्फ वो बड़े यूट्यूबर्स की है। तो एक वो चीज़ आ रही है, 2 दिन में आ जानी चाहिए। और भी काम चल रहा है, म्यूज़िक मेट 410 के 1 साइकिल रिव्यू का काम हो ही है, बस सिर्फ कट स्मार्ट अपग्रेड प्लान की वीडियो भी बन गई है, और इसका भी 1 साइकिल रिव्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो फिर, 100% बैटरी है। और कुछ क्वेश्चन होगा क्या, कैसे यूज़ करना है, क्या जो भी करना है, चलो फिर, तो लिख देना कमेंट्स में। बाय।